गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे टुडे, मतलब कि शिवरात्रि वाला दिन। और गाइस अब मैं जा रहा हूँ शिवरात्रि की पूजा का सामान लेने के लिए। तो उसके बाद मैं सबसे पहले करूँगा पूजा और फिर मैं जाऊँगा सदा शिव से शिव बाड़ी। सो गाइस ये है हमारे पिंड का मंदिर और यहीं पे करता हूँ मैं हर साल पूजा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मंदिर की जो नींव है वो मेरे नाना जी ने रखी हुई है। One hour later. So guys, अब मैं जा रहा हूँ सदाशिव। तो जिनको नहीं पता, सदाशिव बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है यहाँ का, और मतलब काफ़ी मान्यता है उस मंदिर की। तो जिसको जिसको नहीं पता है तो आज हम दर्शन करवा देते हैं। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है वो तो पिछली बार भी मतलब उन्होंने देखा ही था लास्ट व्लॉग, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो ये वाला व्लॉग एंड तक देखना। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला मंदिर है और जो रास्ते हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो इन्जॉय करो रास्तों को, और बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं और दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितना रश होता है। सो गाइज आप देख पा रहे होंगे वो देखिए वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ना बिल्कुल सामने पहाड़ के ऊपर, तो वही है मंदिर। तो अभी हम काफ़ी दूर हैं बट बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। सो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं और मतलब देख सकते हैं आपके लोगों में काफ़ी उत्साह है। ओ बल्ले 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 बल्ले। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. गाइस ये देख सकते हैं आप जो रश है ना वो तो सातवें आसमान पे है। मतलब यार ओम नमः शिवाय है। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में और आप देख सकते हैं काफ़ी रश है मंदिर में, काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो देखते हैं कि अंदर कितनी, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी लाइन होगी। सो गाइज मुझे लग रहा था दूर से कि लाइनें वगैरह होंगी। तो ये है मंदिर की एंट्रेंस, जय भोलेनाथ। और गाइज ये देखिए, जब मैं लास्ट ईयर आया था ना तो यहाँ तक लाइनें लगी हुई थी, बट अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मे बी शायद हम लेट आए हैं ना, तो इसीलिए क्राउड वगैरह पहले ही निकल चुका है सारा। तो ये देखिए बिल्कुल ही खाली है इस बार तो स्टेयर्स, वरना मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम तो काफ़ी रश था यहाँ पे। सो गाइज ये जो पिंडी है ना ये पांडवों के द्वारा यहाँ पे रखी गई है, तो आप दर्शन कर लीजिए।
वैसे तो यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करना मना है, बट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। सो गाइस लुक एट द प्लेस, तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। तो यहाँ और बादलों की जो हाइट है वो सेम होती है और काफी प्राचीन मंदिर है, तो कभी मौका मिले तो आप यहाँ पे जरूर आए। सो गाइज अब टाइम हो चुका है वापस जाने का, तो आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी रश है क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। और गाइज मेन ना यहाँ पे रश होता है नीचे से ऊपर आने का, मतलब जो रोड है ना वो सिंगल साइडेड रोड है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली फ्यूचर में ठीक हो जाएगा वो रोड। बाइक में ना माइनस ही दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत ये आई है कि इसकी ना जो चैन है वो काफ़ी आवाज़ कर रही है, बट आई डोंट नो कि अब वो ढीली है या ज़्यादा टाइट हो रखी है, तो उसको ठीक करवा रहे हैं। बिकॉज इसके बाद मैंने जाना है शिवबाड़ी। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ शिवबाड़ी में, और आप देख सकते हैं कि मतलब नियर अबाउट 6 बजे हैं और रश जो है काफ़ी है, मतलब यहाँ पे भी लाइन वगैरह होगी मुझे लग रहा है, बाकी जाके देखते हैं। तो मेला लगा हुआ पूरा बढ़िया वाला, ये देखिए लाइनें हैं, मुझे दिख रही है दूर से लाइन ना, तो लगता है टाइम लगेगा थोड़ा सा। 15 मिनट्स लेटर। सो गाइज फाइनली मेरी बारी आ चुकी है 15-20 मिनट की लाइन के बाद, और आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है मंदिर। और कोशिश करता हूँ आपको, अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो आपको पिंडी के दर्शन भी करवा दूंगा मैं, तो काफ़ी मान्यता है इस जगह की भी। दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट और आप देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है। गाइज आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ वापस, और इस व्लॉग को तो मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पंजाब तो निखिल। और ये कुछ काबिल प्राणी हमारे लिए लंगर इकट्ठा करके लाए हैं। बाय। तो गाइज हमीरपुर में ना मैं सबसे मिल चुका हूँ और निकल चुका हूँ रोहित भाई के। ऊपर चढ़ो तो ही पता लगूगा।